भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में सुधार के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बीसीसीआई जल्द से जल्द लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को मानने का एफिडेविट कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने कहा कि लोढ़ा पैनल एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करेगा। ये ऑडिटर बीसीसीआई के वित्तीय खातों की जाँच करेगा, साथ ही वित्तीय मामलों पर लोढ़ा कमेटी का दखल होगा। आज की सुनवाई में कोर्ट ने बीसीसीआई की ओर से राज्य क्रिकेट बोर्डों को फंड जारी करने पर भी रोक लगाई है और कहा है कि तब तक फंड ना दिया जाए जब तक राज्य के बोर्ड भी लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में एफिडेविट नहीं दे देते। कोर्ट में यह बात भी साफ हो गई है कि बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर 3 दिसंबर को कोर्ट में इस संबंध में हलफनामा देंगे। इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बीसीसीआई में सुधार होगा और लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मानना ही पड़ेगा। इसके लिए कोर्ट ने बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर को 3 दिसंबर तक का वक्त दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।